नमस्कार, सिटी लाइफ में आपका स्वागत है। मैं सिमर, और नजर डालते हैं आज की ताजा गतिविधियों पर। हरियाणा रोडवेज कर्मचारियों की हड़ताल का आज रहा सातवां दिन। दशहरा पर्व पर अमृतसर में रावण दहन के दौरान हुए हादसे पर हरियाणा स्पीकर ने जताया दुख। भगवान कृष्ण की नगरी में चलेगा स्वच्छता अभियान। सांसद और कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा पहुंचे यमुनानगर। मॉडल टाउन में केक कार्निवल कार्यक्रम का हुआ आयोजन। और अब गतिविधियां विस्तार से। हरियाणा रोडवेज कर्मचारियों की हड़ताल का आज रहा सातवां दिन। सरकार द्वारा उनकी मांगे पूरी न होने पर कर्मचारियों में भारी आक्रोश। कहा, अगर सरकार हमारी मांगे नहीं मानेगी तो हड़ताल अनिश्चितकालीन हड़ताल में होगी तब्दील। हरियाणा में रोडवेज की हड़ताल का आज सातवां दिन हो गया है। ऐसे में सरकार और रोडवेज कर्मचारी दोनों ही अपने फैसलों पर अड़े हुए हैं। कल उच्च अधिकारियों से हुई बातचीत के बाद में सहमति नहीं बन पाई। ऐसे में रोडवेज कर्मचारियों का साथ देने के लिए कई संगठन एकजुट होते नजर आ रहे हैं। रोडवेज नेताओं का कहना है कि स्कीम में सिर्फ परिवहन मंत्री के रिश्तेदारों या पूंजीपतियों को ही फायदा होगा, इसके अलावा और किसी को भी फायदा नहीं होगा। अगर सरकार हमारी मांगों पर सहमति नहीं देती तो यह हड़ताल अनिश्चितकालीन हड़ताल में तब्दील कर दी जाएगी। रोडवेज कर्मचारी यूनियन व सर्व कर्मचारी महासंघ के प्रधान ने बताया कि कल चंडीगढ़ में हमें बुलाया गया और वहां कोई भी निर्णय नहीं हुआ। हमारी मांग है कि 720 बसें जो लेने की बात है इसको बंद किया जाए, रोडवेज के बेड़े को बढ़ाया जाए, क्योंकि यह किसी की भी मांग नहीं है, ना जनता की ना कर्मचारियों की। यह तो सरकार अपने चहेतों को लाभ पहुंचाने के लिए परमिट देने की कोशिश कर रही है, चाहे वह परिवहन मंत्री के रिश्तेदार हों या जो भी। इसमें कोई भी जनता का भला नहीं होगा, क्योंकि रोडवेज के बेड़े के अंदर 15 से 20 साल से कर्मचारियों की यही मांग है कि रोडवेज की बसें बढ़ाई जाएं। संबंधित हरियाणा कर्मचारी महासंघ से संबंधित हमारी यूनियन सर, जो कल सहमत वहाँ निर्णय निकला है, मंत्री बुलाए गए थे, क्या निर्णय वहाँ पर निकला और अभी तक कितनी सहमति बन पाई है? हमारे नेताओं को वहाँ बुलाया गया और उसमें कोई भी निर्णय नहीं हुआ, क्योंकि हमारी मांग कोई और है ही नहीं। दूसरी मांगे तो हमारी बहुत हैं, पर हमने अपनी जो मांगे हैं उनको दरकिनार करते हुए हमारी सिर्फ एक ही मांग है भैया, जो 720 परमिट है हायर करने की, प्राइवेट परमिट हायर करने की कोशिश कर रही सरकार, इसको बंद किया जाए, रोडवेज के बेड़े को बढ़ाया जाए, क्योंकि ये किसी की भी मांग नहीं है, ना जनता की मांग है ना कर्मचारी की मांग है। ये तो सरकार अपने चेतों को लाभ पहुंचाने के लिए, कुछ अपने चेतों को लाभ पहुंचाने के लिए ये तब परमिट देने की कोशिश कर रही है, चाहे परिवहन मंत्री के रिश्तेदार हों या कोई भी इनको समर्थन देने वाले जो है ये पूंजीपति, उनको लाभ पहुंचाने के लिए ये स्कीम है। साथियों, इसमें कोई जनता का भला नहीं होगा, क्योंकि रोडवेज के बेड़े के अंदर आप देख लीजिए 15-20 साल से कर्मचारियों की यही तो मांग है भी बसें बढ़ाई जाएँ। आज 15 साल पहले भी 4000 बसें हुआ करती थी, और 15 साल पहले हरियाणा की जनसंख्या तकरीबन 1.25 करोड़ थी, आज भी वही 4000 बसें हैं, तभी तो जनता को सुविधा रोडवेज सही नहीं दे पा रहा। आप देखते होंगे रोडों के ऊपर जो भी बस स्टैंड से चलती है वो तूड़ी की तरह भर जाती है सवारियों की। हम कहते हैं इस टाइम वित्त आयोग की रिपोर्ट भी है, केंद्रीय वित्त आयोग ने रिपोर्ट दी थी, जहाँ 1 लाख की आबादी है वहाँ पे 60 बसें होना जरूरी है। हमारे जिले की आबादी कम से कम 10 लाख की होगी, यमुनानगर जिले की आबादी, यहाँ पे 600 बसें होनी चाहिए, और यहाँ पे हमारे पास 150-200 बसें, सिर्फ 162 बसें हैं। वो हमारी यही तो मांग है, 14000 बसें हमारी आनी चाहिए, 14000 का मतलब है 4000 हमारे पास, 18000 बसें होनी चाहिए जो बेरोजगार युवक तो अब जो घूम रहे हैं। जैसे आज कल आपकी मीटिंग हुई है, ये स्ट्राइक जो है ये आज तक ही सीमित रहेगी या इसके आगे भी और बढ़ती है? इसमें हमारे नेताओं ने आज मीटिंग बुलाई है, आपातकाल मीटिंग। अगर सरकार इन परमिटों को वापस नहीं लेती, इस पॉलिसी को वापस नहीं लेती, इसका पता नहीं ये 7 दिन चले, 1 महीना चले, अनिश्चितकालीन के लिए हमारे नेता इस पर विचार कर रहे हैं, इसको आगे बढ़ाया जाएगा, पर पीछे नहीं हटेगा रोडवेज का साथी, क्योंकि हमारे बीच में हरियाणा कर्मचारी महासंघ ने आज से हड़ताल पे पूरे विभाग जितने उससे जुड़े हुए हैं, रिटायरमेंट कर्मचारी संघ, हमारे किसान, क्योंकि वो बुद्धिजीवी लोग हैं, आज वो नहीं है, अनपढ़ जमाना है, उन्होंने पता हमारी सुविधा छिन जाएंगी। हमारी रोडवेज की एक बस के अंदर 42 कैटेगरी फ्री चल सकती है, चाहे पत्रकार हैं, सीनियर सिटीजन है, कुछ पैसों के ऊपर छात्र हैं, हमारी 150 किलोमीटर आना जाना फ्री कर सकती हैं हर रोज़, छात्र हमारे सब्सिडी पे यात्रा करते हैं, मतलब ये सुविधा छिन जाएंगी, जनता को, आम जनता को पता है, इसलिए हमारे को पूरा समर्थन मिल रहा है जन समूह का, इसको हम बिकने नहीं देंगे सुबह को, सरकार की ये मनसा है इसका तालाबंदी करने की, जनता की सुविधा छीनने की ये बात है, तो इसका बिल्कुल तालाबंदी नहीं होने देंगे।
आज जो प्रदर्शन यहाँ पे कर रहे हैं, कितने लोग यहाँ पर इकट्ठा हो चुके हैं और कितने की संगठन आपको यहाँ सपोर्ट करने हैं? हमारे बीच में अब तक हमारे हरियाणा कर्मचारी महासंघ के साथी हो, कोई भी भाग के रिटायरमेंट कर्मचारी संघ के साथी हमारे बीच में, छात्र संघ हमारे बीच में, अपना ये किसान अध्यापक संघ से हमारे राज्य प्रधान प्रदीप सरीन भी हमारे बीच में है, और हमारे हर रोज हमारे बीच में पूरे के पूरे हमारे जितने जन समूह है, जनता के भाईचारा हमारे साथ जुड़ता जा रहा है। इस लड़ाई को जनता और हमारे रोडवेज के कर्मचारी बाबू भी जीतेंगे, इससे पीछे नहीं हटेंगे। रोडवेज को कितना नुकसान है, 7 दिन हो चुके हैं स्ट्राइक को, कितना कुछ नुकसान यहाँ देखने को मिल रहा है? एक तरफ तो यही तो वो है, एक तरफ तो धनपत जी कह रहे हैं हमारे ACS कर्मचारी काम नहीं करते, एक तरफ कहते हैं आज यमुनानगर एक ही डिपो का 70-80 लाख रुपए घाटा हो चुका है, वो कौन कमा के ले रहा है? वो कर्मचारी तो लेते हैं कमा के। एक तरफ कहते हैं कर्मचारी निठल्ले हैं, काम नहीं करते, इसलिए हम प्राइवेटेशन लेना चाह रहे हैं। दूसरी तरफ आप अखबारों में देख रहे होंगे, आप भी खबर लेते हैं भाई, हमारे यहाँ पे करोड़ों रुपया अरबों रुपया घाटा पहुँच चुका है, ये कर्मचारियों की कमाई तो है, तो इसलिए कहना गलत है। धनपत जी का हमारे ACS का ये बयान आया था पीछे, आपने देखा हो, हमने भी टीवी के ऊपर देखा भाई, रोडवेज का जो एक कर्मचारी है 65-65 हज़ार रुपये ओवर टाइम लेता है। हम बता देना चाहते हैं भाई, अब जो यहाँ से गाड़ी कटरा जाएगी यमुनानगर से, उसमें 15-15 घंटे से पहले गाड़ी नहीं पहुँच पाएगी, तो ओवर टाइम तो उनका बनता है, ओवर टाइम वो कोई फ्री का नहीं ले रहे। साथियों जो जाम लगता है, 1 घंटा जाम में रहते हैं कर्मचारी, उनका कोई ओवर टाइम नहीं दिया जाता। लंच जो रोटी खाने का टाइम भी ड्राइवर कनेक्टर के पास नहीं होता, वो भी अपनी ड्यूटी में से टाइम निकालते हैं, तो इसलिए कहना गलत है, हम इसकी निंदा करते हैं आपके माध्यम से। धन्यवाद साथी। राम सिंह, चेयरमैन रोडवेज कर्मचारी यूनियन यमुनानगर डिपो। मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारा काफ़ी दिन से जो विरोध था, वो 720 जो गाड़ियाँ हायर की जा रही हैं सरकार के द्वारा, उनके खिलाफ हमारा ये विरोध था, और हम शुरू से ही सरकार के साथ बातचीत के और टेबल टॉक पे ही इसको मुद्दे को सुलझाना चाहते थे। लेकिन उसके बाद 6 सितंबर को घेराव किया गया परिवहन मंत्री का, उसमें भी ये आश्वासन दिया गया था कि 2 डेट आपके पास हैं, 11 और 12 तारीख मुख्यमंत्री से बात की जाएगी, लेकिन मुख्यमंत्री से बात कराने की या खुद मुख्यमंत्री ने बात करने की जहमत नहीं समझी, तो तब जाके रोडवेज की जो तालमेल कमेटी ने एक हड़ताल का फैसला जो लिया हुआ था, उस पर हड़ताल करनी पड़ी। हमने फिर भी बातचीत की इंतज़ार की, लेकिन इंतज़ार के बाद जब हड़ताल 2 दिन की हुई और सरकार ने उत्पीड़न शुरू कर दिया, नेताओं को उठाना शुरू कर दिया, गिरफ्तार करना शुरू कर दिया और काले कानून लगा के केस बनाने शुरू कर दिए, तो हड़ताल को और आगे बढ़ा दिया। लेकिन कल जब वार्ता के लिए बुलाए गए तो CM साहब तब भी वहाँ मौजूद नहीं थे, लेकिन जो पॉलिटिकल सेक्रेटरी हमारे CM साहब के हैं फुल्लर साहब और धनपत जी ACS, वो वहाँ मीटिंग में मौजूद थे, तो कल तालमेल कमेटी ने ये निर्णय लिया कि चलो एक बार बात की जाए, ये CM साहब का ऑफर है। तो बातचीत चली, 4 दौर की बातचीत सिर्फ गाड़ियों पे आके रुक जाती थी 720, जब चौथे दौर की बातचीत चल रही थी तो 720 की बजाय फुलर साहब ने ये कहा कि 510 पे आप सहमति बना लो, 510 गाड़ियां हम दे देते हैं और इनको चलने दो। लेकिन ये गाड़ियां अगर चल गई तो उसके बाद ये 3519 परमिट जो पीछे के रुके हुए थे ये सब चलेंगे, और उसके बाद आउट ऑफ स्टेट परमिट भी जारी होंगे, ये ट्रांसपोर्ट की जो न्यू रोड सेफ्टी बिल न्यू की जो स्कीम है वो एक तरह से पूरी तरह लागू हो जाएगी। तो फिर हमारे तालमेल कमेटी के सदस्यों ने यह तर्क दिया कि ये 510 गाड़ियाँ आप रोडवेज के बेड़े में चलेंगे, तो उसके बाद उन्होंने मना कर दिया कि फिलहाल रोडवेज के बेड़े में दे सकते हैं, इनकी कागजी कार्रवाई पूरी हो चुकी है, तो बात बिगड़ गई वहीं पे। फिर दूसरी तरह की बातें अपने धनपत जी ACS साहब करने लगे कि 65,000 ओवर टाइम देते हैं हम, इतना पैसा खर्च करते हैं हम एक कर्मचारी पर रोडवेज के, खासतौर पर ड्राइवर और कंडक्टर पर। तो तर्क दिया गया तालमेल कमेटी की तरफ से, आप ओवर टाइम बंद कर दीजिए, और स्टेट में ओवर टाइम बंद है लेकिन उनके पास स्टाफ तो है, तो स्टाफ को भर्ती कीजिए, स्टाफ भर्ती होगा तभी ओवर टाइम बंद होगा। तो अब सरकार ना तो ये गाड़ियाँ बंद कर रही है और ना ही स्टाफ भर्ती कर रही है, एक अड़ियल रवैया पैड़ी हुई है। अब जब तक इसका समाधान नहीं होता, ये गाड़ियाँ रद्द नहीं होती, और रोडवेज के बेड़े में अगर गाड़ियाँ ली हैं तो वो शामिल की जाएँ, तब तक ये हड़ताल ऐसे ही जारी रहेगी। अब इस हड़ताल को आज अनिश्चितकालीन हड़ताल में बदल दिया जाएगा। धन्यवाद। दशहरा पर्व पर अमृतसर में रावण दहन के दौरान हुए हादसे पर हरियाणा स्पीकर ने जताया दुख।
ट्रेन की चपेट में आने से 61 से अधिक लोगों की हुई थी मौत। विधानसभा स्पीकर ने ईश्वर से दिवंगत के आत्माओं की शांति के लिए की कामना। यमुनानगर दशहरा पर्व पर पंजाब के अमृतसर में रावण दहन के दौरान मची भगदड़ के बाद ट्रेन की चपेट में आने से 61 से अधिक लोगों की मौत पर हरियाणा विधानसभा स्पीकर बेहद दुखी हैं। ईश्वर से दिवंगत आत्माओं की शांति एवं दुर्घटना में घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करते हैं। भीषण हादसे में पंजाब के स्थानीय निकाय मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी डॉक्टर नवजोत कौर सिद्धू भी निशाने पर आ गई हैं। बताया जाता है कि वह इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि थी और जब हादसा हुआ तो लोगों की मदद करने के बजाय वह वहां से खिसक गई। इससे लोगों में भारी आक्रोश है। हरियाणा विधानसभा स्पीकर कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि जहां तक मंत्री की बात है, मंत्री को वहां रुकना चाहिए था और उनकी मदद करनी चाहिए थी। उस समय मंत्री को बीच में रहना चाहिए था। मैं समझता हूं हमें भी रहना चाहिए क्योंकि हम लोगों का प्रतिनिधि करते हैं। लोगों को लगता है कि वह दुख की घड़ी में हमारा प्रतिनिधि हमारे साथ है। पहले तो हमें भी ध्यान रखना चाहिए कि हम रेलवे ट्रैक कोई किसी कार्यक्रम के लिए नहीं है वो, लेकिन कभी भी इस प्रकार की गलती नहीं करनी चाहिए। सड़क पे अब सड़क है, रेलवे लाइन है, वो चलने वाली है और वहाँ पर भी जो अधिकारी थे उनकी भी जिम्मेदारी थी कि वो उसकी तरफ ध्यान देते। मैं समझता हूँ उस सबसे ही ऐसी जो मारे गए उनसे भी ऐसी गलती हो गई और मैं समझता हूँ कि जो वहाँ कर्मचारी रहे होंगे शायद उनसे भी इसी प्रकार की गलती, उन्हें भी इस पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन जहाँ तक मंत्री की बात है, मंत्री को रुकना चाहिए था कि मंत्री की जिम्मेदारी थी वहाँ रुकना, उनको उनका मदद करना। हालांकि कोई जब जिस जो रेल के आगे आएगा उसमें कुछ कर नहीं सकते, लेकिन फिर भी लोग यही चाहते हैं कि उस समय मंत्री को बीच में ही रहना चाहिए और हमें रहना भी चाहिए बीच में, क्योंकि जो मंत्री का पद है बहुत बड़ा पद है और थोड़ी हिम्मत बत्ती है लोगों की। हालांकि उसमें कोई बहुत बड़ा तो नहीं बदल सकते, लेकिन लोगों की हिम्मत लगती है, लोगों को लगता है कि हमारा प्रतिनिधि है, हमारे बीच में है, दुख की घड़ी में हमारे साथ है, तो रुकना चाहिए था वहाँ। भगवान कृष्ण की नगरी में चलेगा स्वच्छता अभियान। यमुनानगर से 201 श्रद्धालु वृंदावन के लिए हुए रवाना। पूरे भारत से 21,000 से अधिक युवा कार्यक्रम में लेंगे भाग। भगवान कृष्ण की नगरी में चलेगा स्वच्छता अभियान। वृंदावन में 22 से 24 अक्टूबर तक शरद पूर्णिमा मनाई जाएगी। यमुनानगर में 201 श्रद्धालु हुए रवाना, जो वृंदावन में महामंडलेश्वर गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद के नेतृत्व में स्वच्छता कार्यक्रम में भाग लेंगे। इस स्वच्छता कार्यक्रम में पूरे भारत से 21,000 से अधिक युवा इस कार्यक्रम में भाग लेंगे। कान्हा की नगरी में चलेगा स्वच्छता अभियान। धार्मिक व सामाजिक संस्थाएं स्वच्छता अभियान में हुई शामिल। पीएम मोदी के स्वच्छ भारत अभियान को सफल बनाने के लिए जहां मंत्रियों से लेकर बीजेपी कार्यकर्ता मैदान में जुटे हुए हैं, वहीं धार्मिक संस्थाओं ने भी इस अभियान को ताकत दी है। हरियाणा व्यापार कल्याण बोर्ड के सदस्य रामनिवास गर्ग ने जानकारी देते हुए बताया, स्वच्छ होगा भारत तो स्वच्छ रहेगा भारत। प्रधानमंत्री पीएम मोदी के इस अभियान को श्रीधाम वृंदावन में 22 से 24 तक चलने वाले शरद पूर्णिमा कार्यक्रम के दौरान चलाया जाएगा। यमुनानगर से आज उस अभियान में भाग लेने के लिए 201 श्रद्धालुओं का जत्था वृंदावन के लिए रवाना हुआ। वृंदावन में स्वच्छता अभियान में महामंडलेश्वर स्वामी ज्ञानानंद के नेतृत्व में शामिल होंगे। पूरे भारत से 21,000 से अधिक श्रद्धालु युवा स्वच्छता अभियान में शामिल होंगे। बैठ जाओ, चार पांच बैठ जाओ नीचे, बैठ 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 नीचे, बड़े बहुत जी उतर गए। थोड़ा
मेरे बाके बिहारी बुलाया चली मैं वृंदावन को चली, मेरे बाके बिहारी बुलाया चली मैं वृंदावन को चली, ओ चली मैं वृंदावन को चली, चली मैं वृंदावन को चली, चली मैं वृंदावन को चली, मेरे बाके बिहारी बुलाया चली मैं वृंदावन को चली, मेरे बाके बिहारी ने बुलाया चली मैं वृंदावन को चली। माता की जय, सीता गोविंद की जय, सीता गुरुदेव की जय, गौ माता की जय, बोलो सतगुरुदेव महाराज की, बोल बाके बिहारी लाल की जय। आओ जी, आओ भाई, आ जाओ इधर, आओ आओ इधर, आ जाओ, बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय, बोल बाके बिहारी लाल की जय, बोल राधा रानी की जय, श्री बांके भी है जय जय, बोलो सतगुरुदेव महाराज की जय। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। आज यमुनानगर से महाराज जी के सानिध्य में एक 201 यात्रियों का जत्था, स्वयं सेवकों का, नवयुवक जो सफाई अभियान के लिए वृंदावन में जा रहे हैं, वहां पर 21,000 युवक महाराज जी के सानिध्य में वहां पर सफाई अभियान चलाया जाएगा और पूरे वृंदावन को बहुत ही अच्छे तरह से स्वच्छ और साफ किया जाएगा। जो अभियान वहाँ पर पूरा दिन चलेगा, आज यहाँ से 201 हमारे नवयुवक बड़े उत्साह के साथ वहाँ पर पहुँच रहे हैं और लाला अमरनाथ बंसल जी, भारत भूषण बंसल जी की अगुवाई में यहाँ से अभी जत्था रवाना हो रहा है। मैं सभी को शुभकामनाएं देता हूँ और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का संदेश कि स्वच्छ होगा भारत तो स्वस्थ रहेगा भारत, इसी संदेश के साथ महाराज जी की प्रेरणा से वहाँ पर सफाई अभियान चलाया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। सांसद और कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा पहुंचे यमुनानगर। सर्व समाज भाईचारा सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में की शिरकत। विपक्षी पार्टियों पर भी साधा निशाना। दीपेंद्र हुड्डा ने देर शाम तक यमुनानगर में कई कार्यक्रमों में शिरकत की। भाईचारा सम्मेलन जिसमें कई लोग कांग्रेस में शामिल हुए, वहीं मीडिया से बात करते हुए सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने बीजेपी और इनेलो पर जमकर निशाना साधा। दीपेंद्र ने कहा कि आज प्रदेश और केंद्र की सरकार पूरी तरह विफल हो चुकी है। वहीं इनेलो में चल रही खींचतान पर भी दीपेंद्र ने कहा कि इनेलो अपना वर्चस्व तलाश रही है, इसलिए ऐसा हो रहा है। वे तो सत्ता से बहुत पहले बाहर हो चुकी हैं। वहीं अमृतसर हादसे पर भी शोक व्यक्त किया। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि वर्तमान सरकार केंद्र व प्रदेश में पूरी तरह विफल नजर आ रही है। उसका मुख्य कारण है कि मोदी जी ने कहा था कि अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन नहीं आए बल्कि महंगाई वाले दिन आ गए हैं। हर दिन प्रत्येक वर्ग का कर्मचारी, किसान, मजदूर दुखी व निराश है। दूसरी ओर प्रदेश सरकार को हड़ताली कर्मचारियों से बातचीत करनी चाहिए और इस मामले का हल निकालना चाहिए। यमुनानगर में सर्व समाज भाईचारा सम्मेलन में स्थानीय समाज सेवी नर सिंह पाल द्वारा आयोजित एक सम्मेलन के अवसर पर रोहतक के सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने शिरकत की और सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा, कल तक मोदी जी ने कहा था अच्छे दिन आएंगे, लेकिन ना तो उसकी तारीख निर्धारित की गई। कल तक बीजेपी महंगाई के विरोध में धरने प्रदर्शन करती थी, लेकिन आज महंगाई में पेट्रोल डीजल के दाम सर्वोच्च रेटों पर पहुंच गया है। इनेलो के संबंध में पूछे गए प्रश्न में उन्होंने कहा कि 15 साल पहले जनता ने सत्ता सुख भोगने का मौका दिया था, लेकिन तब से आज तक 6 चुनाव हो चुके हैं, जनता ने इनको नहीं स्वीकारा। इनका विवाद घरेलू विवाद है। प्रदेश सरकार ने राज्य को हड़ताल वाला राज्य बना दिया है। चारों तरफ कर्मचारी, किसान, मजदूर त्राही कर रहे हैं। दूसरा, जब हमारी सरकार आएगी तो पेंशन धारकों को 3,000 पेंशन दी जाएगी। किसानों की फसलों के बारे में उन्होंने कहा कि किसानों की हर फसल पीटी है, इस बार भी धान की फसल का बुरा हाल है। 2019 के चुनाव में मोदी सरकार जाएगी, कांग्रेस सरकार आएगी। कांग्रेस पार्टी के गुट के बारे में उन्होंने कहा कि राहुल हमारे नेता हैं, उनके नेतृत्व में सभी कार्यकर्ता उनकी आवाज के साथ खड़े हैं। रूप से आज शामिल हुए लेकिन उन्होंने कांग्रेस पार्टी जो है ठीक है को माध्यम बनाकर जनसेवा, देश सेवा, सार्वजनिक जीवन का कदम बढ़ाया है, तो उसके लिए हम उनका स्वागत करते हैं। बिल्कुल हमारे घर परिवार में आए और कांग्रेस की विचारधारा जुड़े हैं। मैं समझता हूँ कि ये
ये एक ऐसी विचारधारा है जो देश के लिए सही विचारधारा है। बहुत सफल कार्यक्रम था, इन्होंने जो आयोजन किया, कई दिनों से मेहनत इन्होंने करी है उसके लिए, तो उसके लिए इनका स्वागत भी करते हैं, बधाई देते हैं। ये लोग आज कांग्रेस के परिवार में शामिल हुए, उनके शामिल होने से बहुत से पूरे कई जिलों में कांग्रेस पार्टी को शक्ति मिलेगी। पूरे बहुत से जिलों के अंदर इनका एक अच्छा प्रभाव है, नेटवर्क है उनके, बड़े अपने समाज को जोड़ने का भी काम किया है, गरीब आदमी को भी जोड़ने का काम किया है, तो कई जिलों के अंदर उनका अच्छा प्रभाव है, जिससे कांग्रेस पार्टी की बहुत मजबूती मिलेगी। इसके अलावा आपके जो प्रश्न है आप पूछ सकते हैं। लोकसभा चुनाव में मैं समझता हूँ कि दो तीन महीने ही रह गए हैं, तो अब तराजू पे तोल रख के तोलने का समय आ गया है देश के लिए। ये सरकार केवल एक जुमलों की सरकार साबित हुई। आज देश की अर्थव्यवस्था का को न्यूनतम स्तर पर लाने का काम किया है इस सरकार ने। आज रुपया इतना सस्ता कभी नहीं हुआ 70 साल में, डीजल पेट्रोल गैस कभी इतनी महंगी नहीं हुई, बेरोजगारी का इतना उच्च स्तर कभी नहीं गया, बैंक के अंदर NPA इतने बड़ी तादाद में कभी नहीं आए। तो आज अर्थव्यवस्था अच्छे दिन आने थे, मगर अच्छे दिन आ गए बुरे दिन। और जो इनका एजेंडा था उस एजेंडे के लोग जो है विकास के नाम पे वोट मांगे थे इन्होंने, अच्छे दिनों के नाम पे वोट मांगे थे, मगर विकास और अच्छे दिन तो दूर की बात है, देश को ये पीछे ले गए। जहाँ तक हरियाणा की बात है, हरियाणा की सरकार भी हम बिल्कुल विफल मानते हैं। जो आपने कहा ना सरकारों में क्या कंपैरिजन, तो चाहे वो मोदी सरकार हो चाहे वो खट्टर सरकार हो, दोनों ही सरकारें विफल साबित हुई हैं, असंवेदनशील साबित हुई हैं। किसान, गरीब आदमी, कर्मचारी, मध्यम वर्ग, छोटा व्यापारी, हर वर्ग मैं समझता हूँ सरकार से त्रस्त है। आने वाले समय में जो है ये इस सरकार को इनेलो की बात है, इनेलो को इस बात पे मंथन करना चाहिए इंडियन नेशनल लोकदल को कि उनको एक मौका मिला था 2004 तक सरकार में थे, उस समय उनकी क्या कार्यशैली रही होगी कि उसके बाद लगातार 6 चुनाव हो गए, लोकसभा विधानसभा हो गए, 3 लोकसभा 3 विधानसभा, और हर चुनाव में प्रदेश के लोगों ने उनको हर चुनाव के अंदर जो है नकारने का काम किया। तो वो आत्ममंथन करे कि क्या कार्यशैली रही होगी कि उस कार्यशैली पे को 15 साल के बाद भी लोग माफ नहीं कर रहे, 6 चुनाव के बाद भी माफ नहीं कर रहे, नकारने का काम करे। तो उस बात पे उनको आत्ममंथन करना चाहिए। हाँ, जहाँ तक फूट की बात है, ये तो उनका अंदरूनी मामला है, मगर उनके सामने तो वो विषय होना चाहिए, इनेलो की जो पार्टी है वो आज अपने अस्तित्व को खत्म होता देख आपस में कुछ पारिवारिक फूट सामने आ रही है, ये उनका अंदरूनी मामला। दीपेंद्र जी, मोदी जी ने जब 14 में चुनाव लड़ा था उन्होंने कहा था कांग्रेस घोटाले की सरकार है, इस सरकार को कौन सी संख्या देंगे आप? देखिए, ये इस सरकार के अंदर जो घोटाले हुए हैं इस तरीके से जो मैं कहूँगा संगठित लूट आज तक कभी नहीं हुई। हाँ, यमुनानगर में माइनिंग घोटाले की बात से लेकर ये हाजमा बहुत तेज है सरकार का, ऐसा हमने हाजमा नहीं देखा। ये माइनिंग का पत्थर का पहाड़ का पत्थर खा, माइनिंग का पत्थर खा गई सरकार यमुनानगर में, भिवानी में पहाड़ का पत्थर खा गई, गुड़गांव के अंदर ग्वाल पहाड़ी खा गई, पूरी ग्वाल पहाड़ी हो गई, अपना उसके नारायणगढ़ में रेत खा गए, दाल रोटी योजना में गरीब की दाल खा गए। आपको पता है वो जो दाल 5 गुना भाव से खरीदी गई तब से वो दाल रोटी योजना ही बंद है, गरीब की दाल खा गए। कहीं SSC घोटाले में नौजवान की रोजगार खा गए। और केंद्रीय स्तर पर आपने रफेल घोटाला आज तक अभी इतना बड़ा घोटाला कभी आया नहीं सामने। लगभग 35,000 करोड़ का जो ऑफसेट वो एक अंबानी जी की कंपनी को दिया गया बिना टेंडर के। अगर गांव के अंदर भी कोई अगर 35
लाख का कोई गांव का या शहर की कोई गली का कॉन्ट्रैक्ट भी बिना टेंडर के दे दे 35 लाख के तो जेल है, विजिलेंस इंक्वायरी है। ये तो कहते 1000 करोड़ का एक कॉन्ट्रैक्ट उनको दे दिया, क्योंकि क्या कारण है उसके पीछे क्यों दिया गया? ना कोई टेंडर, ना कोई बिडिंग, ना कोई और कानून, केवल जिसको आप पसंद करते हो उनको दे दो। और उसके बाद उस बात को नकार के चल रही है सरकार, कोई जवाब भी देना ठीक नहीं समझ रही। देश के लोगों को ये सरकार कुछ नहीं समझती, देश में मीडिया को कुछ नहीं समझती। जो मीडिया सवाल उठाए उसी मीडिया को कुचलने की कोशिश, जो राजनीतिक आदमी सवाल उठाए उसी राजनीतिक आदमी की आवाज़ दबाने की कोशिश। तो ये सरकार एक, मैं समझता हूँ कि ऐसी सरकार आई है कि ना सिर्फ संगठित लूट, देश के अंदर सर्वोच्च स्तर पर बैठे लोगों ने सर से ये असंगठित लूट का अंजाम देना काम किया है, वहाँ से लेकर और प्रदेश सरकार तक बिना कोई कारण है। अभी उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव में कहा कि भाई भाजपा के 5000 हेलीकॉप्टर उड़े, तो देश के लोगों को जानने का, सच जानने का अधिकार है कौन थे, क्या अंबानी थे, क्या अदानी थे, क्या कारण थे, और ऐसे कब तक चले। तो देश के लोग समझ चुके हैं ये सरकार, इस सरकार ने ना सिर्फ अर्थव्यवस्था का भट्टा बिठाया है, किसान को और गरीब आदमी कमर तोड़ने का काम किया है, मगर भ्रष्टाचार में भी ये सरकार ने नए कीर्तिमान स्थापित करने का काम किया। और यही कारण है, आप देखना ये पांच जो स्टेट्स के चुनाव हुए, इन 5 स्टेट्स में मेरा ये अनुमान है कि 3 से लेकर 5 स्टेट तक कांग्रेस पार्टी जीती, हो सकता है 5 भी जीती। इस चुनाव किसके नेतृत्व में लड़ा जाएगा हरियाणा में? ये हमारी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय नेता राहुल जी हैं, और हमारी कांग्रेस पार्टी की का राष्ट्रीय नेतृत्व को लेकर और कांग्रेस पार्टी की विचारधारा को लेकर कांग्रेस पार्टी एकजुट है। और ये जो सवाल है इसके पहले जो इसके जवाब हमारा जो केंद्रीय नेतृत्व है सही समय पर, हमें विश्वास है सही समय पर जन भावनाओं के अनुसार सही समय पर सही निर्णय लेने में केंद्रीय नेतृत्व हमारा सक्षम है। सर लोगों में बड़ी है पार्टी दावरकोटा अलग है, सैलजकोटा अलग है, कुंजेवाड़ा अलग है। मैंने जैसे कहा कांग्रेस हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व को लेकर हमारी विचारधारा पर कांग्रेस पार्टी एकजुट है, और आपको सही समय पे कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से एकजुटता से मैदान पर। मैं जैसे कहा कि भाई ये जो आपको सही समय पे हमारा केंद्रीय नेतृत्व, इसका कोई फैसला जो अपना कोई तो हमारा केंद्रीय नेतृत्व, हमें विश्वास है हमारा केंद्रीय नेतृत्व जन भावनाओं के अनुसार सही समय पे सही निर्णय लेने में सक्षम। मॉडल टाउन में केक कार्निवल कार्यक्रम का हुआ आयोजन, केक और अन्य बेकरी की चीजों के बारे में दी विस्तार से जानकारी। कल तक बेकरी का सामान पर्दे के पीछे बना करता था, लेकिन रिच कंपनी ने सभी लोगों के सामने कई तरह के केक बनाए और लोगों को आधुनिक व स्वादिष्ट तथा कई प्रकार के केक ग्राहकों के सामने बनाए गए। और बेकरी के सामान में ना तो कोई मिलावट है और ना ही कोई गिरावट है। रिच कंपनी द्वारा मॉडल टाउन में बेकर लॉन्च के माध्यम से ग्राहकों के बीच विभिन्न प्रकार के बेकरी के खाने पीने के सामान का निर्माण करवाया गया। कल तक लोगों के मन में बेकरी के खाद्य पदार्थों के बारे में विभिन्न भ्रांतियाँ थीं। वह रिच कंपनी ने ग्राहकों के बीच खुले में केक सहित बेकरी की अनेकों सामान बनाए जो लोगों के मन को भा गए। कल तक लोग केक एवं अन्य सामग्री में अंडे का प्रयोग करते थे, लेकिन अब सारा बेकरी का सामान अंडे के बिना बनता है और एगलेस बेकरी काफ़ी लोगों के मन को भा रही है। हम बेकर्स लॉन्ज यमुनानगर में आज लाइव डेमो केक का प्रेजेंटेशन कर रहे थे। यू आर प्रेजेंटिंग रिच ग्रेवियस प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड, रिच कंपनी को हम लोग यहाँ रिप्रेजेंट कर रहे थे। हमारे नॉर्थ जोन के हेड से आए हुए थे, अवेलेबल हैं, इस समय भी अवेलेबल हैं, क्योंकि लाइव डेमो केक बना रहे थे। फोटो आ रही थी, बहुत इंटरेस्टेड थी, बहुत अच्छा लग रहा था उनको। कुछ लोग इंटरेस्टेड थे सीखने के लिए, सीखना भी चाहते थे, नाइफ भी लिए उन्होंने, एक दो बार ट्राई भी किया, अच्छी भीड़ थी, अच्छा लगा यहाँ पे। मेरा नाम सर सनी भाटिया है। हमारे शहर में आज से बेकरीज का कल्चर बहुत पुराना कल्चर है, बट आज तक लोगों ने कभी लाइव केक बनते हुए नहीं देखा। यहाँ पर हमने ये फैसिलिटी इसलिए दी है ताकि लोग यहाँ पर आएं और शेफ के साथ में डायरेक्ट कम्युनिकेट करें और उन्हें कोई भी किसी भी तरह का कोई डाउट है तो वो क्लियर कर सकते हैं। और ये लाइव केक शो इसलिए रखा जाता है ताकि इसमें जितना भी केक बनाने का प्रोसीजर है उसको सारा डिस्कस किया जा सके। और बेकर्स कैफे लॉन्च एक ऐसी बेकरी है जो एगलेस केक में काम करती है और हर साल कोई ना कोई नई वैरायटी को लॉन्च करने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती है। इस साल हमने थोड़ा सा अलग वे में इसको प्रेजेंट करने की कोशिश किया था। दशहरे के दिन हमने लाइव बैंड का प्रोग्राम भी रखा, उसके साथ में हमने केक का शो रखा ताकि लोगों का इन्जॉयमेंट भी हो
और दूसरा लोगों को ये भी पता चले कि केक किस तरह बनाया जाता है। थैंक यू। रॉबिन, हमने एक बेकरी है बेकर्स कैफ़े लॉन्च के नाम से, हमारे पूरे 6 साल पूरे होने की उसमें हमने एक बैंड और एक लाइव काउंटर का वो करा है, जिसमें आपको लाइव बेकरी की सारा केक कैसे बनता है क्या है वो सिखाया गया है। बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है, कस्टमर ने बताया है, बाकी अब देखो इसके बाद पता चलेगा दिवाली पे क्या रहता है। नहीं, कंपटीशन ऐसे बेकरी को लेकर नहीं है, लेकिन हाँ डेली कुछ ना कुछ नया खुलता रहता है, ऐसे लाइव काउंटर किसी ने नहीं वो करा होगा ओपनिंग, हमने नई चीज़ वो करी है, कस्टमर बताएंगे कैसा है कैसा नहीं है। मिठाई और बेकरी दोनों अपने आप में एक अलग चीज़ है, मिठाई आप शादी शुदी के लिए उसमें मिठाइयों का काम चलता है, बेकरी का है एक अलग, बर्थडे का एनिवर्सरीज के केक्स वगैरह जाते हैं, आरोप वगैरह चलते रहते हैं, आरोप कभी किसी पे चलता है कभी किसी पे चलता है, लेकिन ऐसा कोई बेकरी का बिल्कुल अलग कॉन्सेप्ट रहता है, मिठाइयों से उसका कोई लेना देना नहीं। आज की गतिविधियों बस इतना ही, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।